देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत के कर्मा गांव में आजादी से अब तक लोगों को पक्की सड़क तक नसीब नहीं हुई। इतने समय से लोगों को इस कदर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि वो अपने आप को ही हमेशा कोसते रहते हैं, क्योंकि हर बार किसी न किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा उनको धोखा ही मिलता है। लोगों का कहना है कि जब चुनाव का दौर होता है तो नेता लोग बहुत से वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता, जबकि हर बार ही उस गांव वालों को अपने झांसे में लेकर वो लौट। यही हाल अब की विधानसभा के चुनाव के दौरान हुआ है, लेकिन अब की बार चौधरी अमर सिंह ने उन गांव वालों से चुनाव से पहले ही वादा किया था। नेताओं की फितरत में है कि आते हैं चले जाते हैं, कहते भी करते ही नहीं है। वो मेरे फितरत में नहीं, मेरी सरकार की फितरत में है, ना पूजनीय योगी जी के फितरत में है, ना पूजनीय मोदी जी के। जो करना है वो कहना है, ये अपनी सरकार का अपने लोगों का बिल्कुल अटूट मतलब संबंध है काम को लेकर के, जनता को लेकर के। मुझे कहना यह है कि चूंकि पहली बार हम सोहरगढ़ में सोहरगढ़ के लोगों के आशीर्वाद के बदौलत प्रदेश की पंचायत में पहुंचे हैं, और उत्तर प्रदेश की आवाम की बदौलत प्रचंड बहुमत में भाजपा एनडीए की सरकार बनी है, कि जिस सड़क की बात, जिस गांव की बात आप कर रहे हैं, वह गांव वाकई में मैं पहले से जानता हूं कि खुरवा से लेके सिसई सहरिया कर्मा चतरा होते हुए ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत नेपाल की सीमा पर सटा हुआ बॉर्डर एरिया में आने वाला ये गांव है, लेकिन अब तक वो वंचित रहा है। लेकिन अब वंचित नहीं है, आपको भी खुशी होगा, मुझे भी खुशी होगा, क्षेत्र की जनता जानती भी है कि चौधरी अमर सिंह ने इस सड़क को सेंक्शन करा दिया है कि खुरवा से चतरा सिसई सहरिया कर्मा प्राथमिक विद्यालय तक जो मुझे दिखाई दे रहा है उसकी स्वीकृति मिल गई है, और आफ्टर बजट सत्र के बाद मुझे लगता है उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। देख रही है क्राइम स्टोरी।